गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ बच्चों, फटाफट जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सेटल ऑन फास्ट। आफ्टरनून बस बस, आवाजें नहीं। एट्थ ए, एट्थ बी, की पॉइंट। चलिए जी, तो आप मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे पास यूनिट टेस्ट में चैप्टर आने हैं, उनमें से कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है? कोई ऐसा चैप्टर जिसमें दिक्कत है? आए आते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा चैप्टर जो यूनिट टेस्ट में आने हैं जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत हो वो बता दो मुझे, हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे आते हैं पक्का? तो फिर मैं किसी में से भी क्वेश्चन पूछ लूं? चलो फिर हम किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन करके कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स आना है आपको, लीनियर इक्वेशंस आनी है, और क्वाड्रिलेटिक। एक बच्चा खड़े होकर के बोलेगा जिसको प्रॉब्लम है। जो थोड़ा जोर से बोल बेटा, चैप्टर नंबर टू, लीनियर इक्वेशंस। चलो, लीनियर इक्वेशंस में आपको दिक्कत है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है, यही बात है? चलो 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 चलो, बातें नहीं, बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो। लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना हम देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं बच्चे की दिक्कत आती है। तो चलिए जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 5 टाइम्स, आसान वालों से शुरू करेंगे। 5 टाइम्स एक्स प्लस 43, 5 टाइम्स एक्स प्लस 43 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x प्लस 4। चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, ब्रैकेट्स खोलो दोनों तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ। शिफ्टिंग के रूल आपको मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाता है। चलिए शाबाश करिए और आंसर बताइए। एरर आंसर फॉर दिस इज 207। अब जिसका नहीं आया वो हाथ खड़ा करेगा। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ, अभी कर रहे हैं बच्चे, फटाफट ट्राई करो, और फिर जिसका आंसर 207 नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। जल्दी से जल्दी से, तो हाँ जी, सबका आ गया? यस ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट का मतलब जो कुछ अंदर पड़ा है सारा 5 से मल्टीप्लाई, 5x प्लस 43 × 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। 5x प्लस 43 × 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। ये 6x इधर ले आए, पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव हो गया। 215 माइनस करेंगे इधर, 5x माइनस 6x विल बी
प्लस वाली बड़ी टर्म है तो आंसर जाएगा माइनस में, यहाँ भी माइनस वाली बड़ी टर्म है तो माइनस में, 250 माइनस 8 207, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 200। ऑनेस्टली बता दो जिसको नहीं आया था ये क्वेश्चन, जिसका गलत आया है आंसर, है कोई ऐसा जिसका गलत आया आंसर? अब तो बोलेंगे भी नहीं ना, गलत आया भी होगा तो भी नहीं बताना है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से करते जाना, देखते जाना, ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आपको मुश्किल नहीं पड़े, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। लो जी हमारे पास है, टू टाइम्स एक्स प्लस फाइव माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री। ध्यान से देखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, बहुत ध्यान से इसको हमें डील करना रहता है। चलिए, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस फाइव माइनस ऑफ एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री। शाबाश, जल्दी से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सारी की सारी। मैम एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। माइनस थ्री बाय टू, किस किस का आंसर माइनस थ्री बाय टू आया, हाथ खड़ा करो। सेवन बी एट बी में से दो बच्चों का थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू आ रहा है। ठीक है चलो, बाकियों का देखते हैं जरा क्या आ रहा है। एक बार दोबारा जिसका आंसर आ गया एक बार रीचेक कर लो, जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं करी आपने। रीचेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद कोई गलती मिल जाए। माइनस वन मिल गई गलती। चलिए जरूर फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सारे सॉल्व करो। देखो जी ब्रैकेट को खोलते हैं, ध्यान से देखते जाना, समझने की कोशिश करो। ये दो बार पड़ा था, अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 10, बाहर माइनस पड़ा है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज, x जो पॉजिटिव का था माइनस का बन गया, जो 6 माइनस का था प्लस का बन गया। अगली ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3x प्लस 21 माइनस 3। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं पहले, 2x माइनस x 1x, 2x में से एक x निकाल दूं तो एक ही x बच जाएगा, 10 प्लस 6 16, हियर आई एम हैविंग 3x एंड 21 माइनस 3 विल बी 18। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। ये 3x इधर पॉजिटिव था, इधर आया माइनस का हो गया, ये प्लस था इधर, उधर जाएगा तो माइनस हो जाए। 8 बी, वीडियो आपका नहीं आ रहा है मेरे पास, वीडियो गायब हो गया। 8 बी एक्स माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2x
माइनस वाला नंबर बड़ा है तो साइन माइनस आएगा, तीन में से एक माइनस किया दो, माइनस दो एक्स, 18 माइनस 16 दो। अब माइनस दो से दोनों तरफ जब मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस वन। नेक्स्ट है हमारे पास 2x अपॉन 3 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 7। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। x की वैल्यू 12, जिस जिसका आंसर 12 आया है हाथ खड़ा कर दो। ओके, 8th ए से दो स्टूडेंट्स का हाथ खड़ा हुआ x 12 पर, 8th बी में भी आंसर आ रहे हैं, हाथ नीचे कर लो। पीछे वाले स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, सभी क्लासेस में कोई पीछे से कोई हाथ नहीं खड़ा करता। हाँ, 8th ए में पीछे से हाथ खड़े हैं, आगे वाले स्टूडेंट्स चलिए हाथ नीचे करो बेटा, अभी एक मिनट और दे रही हूं, जल्दी जल्दी निकालो जरा आंसर। और सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे की कॉपियां नहीं देखेंगे। आंसर मुझे बताया जा रहा है x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12। हां जी, फर्स्ट बेंच पर 8th ए, किस किस का आंसर आया है? 8th A, फर्स्ट बेंच, जिस जिसका आंसर आ गया है 12 हाथ खड़ा करेंगे। 8th A, किसी का आंसर नहीं आया। चलिए कॉर्नर में जो लड़का बैठा है ब्लू टी शर्ट, 8th A, फर्स्ट बेंच। हाँ बेटा बोल, क्या कर रहा है बच्चे, मुझे ये बताओ कर क्या रहे हो, ये बता दो कैसे शुरू किया क्वेश्चन आपने। अच्छा, 2x माइनस 15 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 7। बेटा फ्रैक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तभी वो सीधे सीधे ऐड होते हैं। यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, यहां पे 1 है, तो आप इसको क्या 2x माइनस 15 बाय 3 ऐसे लिख सकते हो? विल इट बी ओके? ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो लिखा ही नहीं जा सकता। इनको एज अगर मैं फ्रैक्शंस ट्रीट करूं, यहां पर नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, यहां 1 है, तो मैं बेटा सीधा सीधा तो कर ही नहीं सकती। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, बताओ बेटा, 3 और 1 का एलसीएम 3, ये है 2x बाय 3, यहां 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड इज इक्वल टू माइनस 7। तो 2x माइनस 45 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब बैठ जा आगे और सॉल्व कर बेटा इसको। तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी फ्रैक्शंस में जाओ तो सबसे पहले चेक करो क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाओ, उसके बाद न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब अगला स्टेप क्या करना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं? 2x माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 21, 2x इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 45, 2x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू, बच्चों यहां पर देखो ऐसे करने की बजाय क्या ये ज्यादा आसान हो जाता अगर मैं इसको करती 2x by 3 is equal to minus 7 और ये 15 उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, वेरिएबल को एक तरफ रखा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, तो वो एलसीएम लेना और वो गलतियां गुलतियां सब गायब, जरूरत ही नहीं मुझे उसकी। सिंपली मैंने क्या कर दिया, ये जो कांस्टेंट टर्म पड़ी थी इसको उठा करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। जब हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास,
टू एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू 8. अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं आ गए 2x is equal to 24 और x is equal to 12. ठीक है जी, यहां पर ये कांस्टेंट टर्म ही पड़ी थी तो मैं करती यही हूं कि कांस्टेंट एक तरफ इकट्ठे कर दिए, वेरिएबल एक तरफ इकट्ठे कर दिए, तो मैंने इस 15 को उठा करके उस तरफ शिफ्ट किया, इधर माइनस का था इधर प्लस का बन गया, 15 माइनस 7 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 24 सो x बिकम्स 12. ये बिल्कुल ठीक मेथड है, इसमें कुछ गलती नहीं है, आंसर मेरा इससे भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है और गलती होने के चांस भी बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा काम करें कि हम आसान काम कर लें. ठीक है जी, लो जी अगला क्वेश्चन, सोच समझ के करना, इसमें भी आप गलती करोगे मैं पहले ही बता रही हूँ, ध्यान से करना जरा क्वेश्चन. 7/2 विद इन ब्रैकेट वाई माइनस वन इज इक्वल टू 4 + 3y. 7/2 होल मल्टीप्लाइड विद वाई माइनस वन इज इक्वल टू 4 + 3y. शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ क्या कर रहे हो, कितना तीन थ्री वन फाइव ओके 15. ठीक है जी, 15 इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर एज 15? मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है. चलिए जरा ध्यान से देखते जाते हैं, 7/2 पड़ा है ब्रैकेट के बाहर. जब 7/2 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म क्या बनी, सब बोलेंगे जल्दी जल्दी क्या बनेगा, 7/2 इज इक्वल टू 4 + 5. अब वेरिएबल एक तरफ लेके जाने हैं, इधर +3y इधर आके माइनस हो गया, 4 + 7/2. अब यहां पर फिर से, यहां पर देखो ये फ्रैक्शन है, यहां पर डिनोमिनेटर 2 है और यहां पर डिनोमिनेटर कितना है, इसको हमेशा जब ऐसे सिंगल एक फ्रैक्शन में आ जाए और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा, इसको ऐसे लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. राइट इट एज 3y/1. सिमिलरली इसको भी 4/1 लिख लेते हैं ताकि हम गलती नहीं कर दें. अब दोनों तरफ ही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 2 का एलसीएम 2. अगर 2 एलसीएम है, दिस इज 7y/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, सेम वे यहां पर भी यही करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर में और 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर. अब देखते हैं क्या बन गया है, यहां से आया 7y/2 -6y/2, दिस इज 8/2
प्लस बाय टू, सेवन वाई माइनस सिक्स वाई होल अपॉन टू, एट प्लस सेवन होल अपॉन टू, ये टू और टू कैंसल, सेवन वाई माइनस सिक्स वाई इज वाई, एट प्लस सेवन इज फिफ्टीन। दोबारा देखो हमने क्या किया, ये सेवन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो सेवन अपॉन टू वाई माइनस सेवन बाई टू इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री वाई, ये तीन वाई इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस सेवन बाई टू दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये फ्रैक्शन में है ये नहीं है, तो अपॉन वन करके मैंने फ्रैक्शन बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं करोगे तो गड़बड़ करोगे ही करोगे। अब हमने देखा एक का डिनोमिनेटर वन है एक का टू है, तो हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम दो बन रहा है, यहां दो बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम काम हमने यहां पर कर दिया। अब डिनोमिनेटर सम के सेम, तो न्यूमरेटर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो फ्रॉम हियर आई रीच एट द आंसर वाई इज इक्वल टू 15। कोई बच्चा जिसको इसमें से कोई स्टेप समझ में नहीं आया है वो जल्दी से मुझे बता दे। Anyone who is not able to understand any step out of it? हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? पक्की बात है? अगला क्वेश्चन मैं आगे बुला के पूछने वाली हूँ, तीन चार क्वेश्चन मैंने समझा के करवा दिए हैं, अब मैं सब अपना अपना काम करेंगे और मैं जिसको बोलूंगी वो आके आके माइक पे मुझे स्टेप्स समझाएगा और क्वेश्चन करवाएगा, ठीक है जी? लेकिन अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से करना जरा, दो मिनट दूंगी क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद माइक पे आगे बुला करके मैंने पूछना है किसने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है? चलें, रेडी? चलो फिर। हाँ जी, दोबारा बोलो। ब्रदर को समझ नहीं लगा। क्या चीज समझ नहीं आई वो बताओ, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? एट बी, आपका कैमरा थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रहा है, एट बी से ही पूछ रहे थे, बोलो आवाज आ रही है मुझे, बोलो कौन सा स्टेप है जो समझ नहीं आया इसमें, स्टेप बता दो जल्दी से। फर्स्ट स्टेप, हैव यू अंडरस्टूड, ब्रैकेट को खोला, ये बात समझ में आई है बेटा? एट बी मैम की टू आपस में कैसे कट हुए? ये टू आपस में कैसे कट हुए? ओके, ये बात आपको मैंने समझाई थी कि अगर हम इक्वल टू के दोनों तरफ एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में सेम हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाता है। चलो ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेवन वाई माइनस सिक्स वाई इज वाई अपॉन टू और यहां आ गया फिफ्टीन अपॉन टू, ठीक है? ऐसे ठीक है बेटा, टू को टू से कैंसिल नहीं किया मैंने, ये टू और टू रखा ही है अभी, आई एम नॉट कैंसलिंग इट। एक बार पहले समझ लो फिर मैं ये भी बता देती हूँ कि कैंसिल क्या हो, क्यों किया और कैसे किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ जी कर सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई की, उसमें भी कुछ दिक्कत है बेटा? Yes. लो जी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो टू वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टू। अब क्या ये टू और टू काट सकती हूँ क्या? अभी भी नहीं काट सकती हूँ, काट सकते हो अब? तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बीच में इक्वल टू का साइन है तो न्यूमरेटर की टर्म न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर से अगर कुछ कॉमन है तो कैंसल की जा सकती है। न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर से साथ कैंसिल हो सकता है इक्वल टू साइन के दोनों तरफ तो डिनोमिनेटर भी कैंसिल किया जा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, और अब ये मैंने पूछना है आप लोगों से, लिखो जी, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव बाय टू इज इक्वल टू सिक्स, देखते हैं आप कौन कर रहा है इसको, सिर्फ हैंड रेज करते जाना जिस जिसका होता जाएगा, आंसर नहीं बोलना, जो सॉल्यूशन निकाल ले हैंड रेज कर देगा, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी।
मैं जिसको बोलूंगी सिर्फ वही मुझे आके स्टेप्स करवाएगा और आंसर बताएगा, जिस जिसका आंसर होता जाए निकलता जाए वो सिर्फ हैंड रेज करता जाए। शाबाश, जल्दी जल्दी। मैंने क्या बोला? आंसर नहीं बोलना। अगर तुमको लग रहा है कि तुमने जो सॉल्यूशन निकाल लिया, तुमने रीचेक कर लिया, करेक्ट है, सब है, तो सिर्फ हैंड रेज करना है, बोलना किसी ने नहीं आंसर क्या आ रहा है। ओनली रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट द आंसर। एट्थ भी डिस्कनेक्टेड ही है अभी। चलिए जी, एट्थ सी से एक बच्चे का हाथ खड़ा हो गया है, दो का खड़ा हो गया है एट्थ सी से। हाथ नीचे कर लो बेटा, चल गया मुझे पता, दो बच्चों का हो गया, तीन का हो गया, सब पड़ोसियों का हुआ, एक दूसरे का देख के तो आंसर नहीं दे रहे ना, अपना अपना सॉल्व किया ना बच्चों, क्योंकि एक का गलत हुआ तो फिर सबका गलत हो जाएगा और पता चल जाएगा मुझे कि नकल मार के काम किया। तो देख लो अपना अपना एक बार चेक कर लो सारे के सारे, जिन जिन का आंसर आया है, दोनों तीनों इकट्ठे ही बैठे हैं। आ आंसर गया, चलो ठीक है। एट ए में से आया किसी का आंसर? हाँ, दो तीन बच्चों का आ गया एट ए में से भी। चलिए एट सी, जो आगे बच्चे बैठे हैं, आई एम वेटिंग। एट ए में से चलो काफियों का आना शुरू हो गया है, 30 सेकेंड और दे रही हूँ एट सी, जल्दी जल्दी कर लो जिस जिसका नहीं हुआ, फटाफट ध्यान से देखते जाओ स्टेप्स। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कैसे आसानी पड़ेगी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो मेथड लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। एट सी, दिस गर्ल सिटिंग इन फर्स्ट बेंच, ब्लू टी शर्ट। हाँ बच्चे, क्या कर रहे हो मुझे स्टेप बता दो, आंसर आया है या नहीं आया वो बात की बात है, स्टेप क्या फॉलो कर रहे हो वो बताओ मुझे। शाबाश, जल्दी से। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे, थोड़ा जोर से बोलो। वन वन ओवर एक्स वन अपॉन 3x या एक्स बाय थ्री? ये एक्स न्यूमिनेटर में जाता है डिनोमिनेटर में जाता है, पहले तो ये बताओ। इफ आई एम राइटिंग वन अपॉन 3x, इज इट एक्स बाय थ्री और 1/3x, क्या है ये? दिस इज 1/3x का मतलब मैं 1/3 को x से मल्टीप्लाई कर रही हूं, x का मतलब x बाय वन। न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शंस में, सो दिस इज एक्स अपॉन 3। इज इट ओके बेटा? Yeah. चलिए आप बैठिए सीट पे। तो सबसे पहला पॉइंट अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए एनीवेज, 1/3x मींस आई एम मल्टीप्लाइंग 1/3 विद एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाय वन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, सो इसका मतलब है एक्स बाय थ्री। चलिए जी, इतनी बात तो अब हो गई। अब एट ए में से फर्स्ट बेंच कॉर्नर स्टूडेंट येलो टी शर्ट, हाँ जी बेटा, अगला स्टेप बताओ क्या करोगे। बोल बेटा बोल, कुछ तो किया होगा, क्या किया आगे? 5/3 -5/2 = 6/1। लो जी, ओहो सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू 6/1। चलिए जी आगे चलिए। अब क्या किया बेटा? बस बैठ गए, इसके बाद किसका एलसीएम एलसीएम लिया बेटा? 3 और 6 का।
इसका और इसका लिया या इसका और इसका लिया, थ्री और टू का लिया? थ्री और टू का। ठीक है जी, थ्री और टू का एलसीएम क्या बनेगा? सिक्स। एलसीएम ऑफ थ्री एंड टू इज सिक्स। व्हाट ही हैज डन, ही हैज टेकन द एलसीएम हियर, तीन और दो का एलसीएम छ। इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर को छह बनाना है। तो बता बेटा, ये पहली टर्म में किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को छह बनाने के लिए? टू से। तो ये बन गया 2x और नीचे बन गया 6। बैठ जा बेटा, अगला स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है, बोलो जी कैसे बनेगा? किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? जोर से बोल, थोड़ा समझ नहीं आता मुझे क्या बोल रहा है ऐसे। थ्री से मल्टीप्लाई क्या बोल रहे हो? कोई आस पड़ोस वाला बोल दो भाई, क्या कह रहा है ये? थ्री से मल्टीप्लाई होगा। चलिए, जब ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, नीचे करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6/1। बैठ जाओ जी, अगला स्टूडेंट, अगला स्टेप बताओ बेटा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए, जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ एक साइड पर पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर दूसरी साइड को सिंप्लीफाई करने जाएंगे। अब ये साइड में फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन करूं बेटा? पहले इसको इकट्ठा करके कैसे लिखूं? दोनों का डिनोमिनेटर 6, तो न्यूमिरेटर हो गया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6/1। बैठ जाओ, 8c। पीछे से जिनके आंसर आए थे, आ जाओ आगे, कोई सा 8c, कोई सा आ जाओ पीछे से, दोनों तीनों में से। हाँ आ जाओ बेटा आगे फटाफट, शाबाश। 2x माइनस 15 बाय 6 इज इक्वल टू 6/1। अब आगे क्या करूं बेटा? मैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहे हो मुझे करने को? मैं वन। अच्छा लो, 2x माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 6, सो दैट बिकम्स 36। चलो आगे चलो, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 36। अगला बोल बेटा। मैं 36 प्लस 15 माइनस 15 जो इधर पड़ा है दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 15। सो 2x इज इक्वल टू कितना बन गया ये? 51। तो x क्या आ जाएगा? 15 डिवाइड बाय, किस किस का आंसर 51 बाय 2 आया? ऑनेस्टली हाथ खड़े करना, ऑनेस्टली। ओके, ए में से तो कईयों का आ गया है, सी में से कुछ का आया है, कुछ का नहीं। ठीक है जी, चलिए सीट पर, चलिए सीट पर। जिसका नहीं आंसर आया ध्यान से देखो, और जहां पर कुछ भी स्टेप ऐसा जो समझ नहीं आया है वो मेरे से पूछना है आपने। सबसे पहली बात, व्हेन आई एम राइटिंग 1/3x, दिस इज एक्स अपॉन 3। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में मैंने देखा, एक का डिनोमिनेटर 3, एक का 2, तीन और दो का एलसीएम 6। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 2x, ये बन गया 15 3 से मल्टीप्लाई करके। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x माइनस 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6/1। अब हमने लगाया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज नहीं होता, सेम रह गया ये 6 × 6 = 36। कॉन्स्टेंट जो माइनस का 15 पड़ा था दूसरी तरफ शिफ्ट किया प्लस का 15, और यहाँ पे 2x पड़ा था, x चाहिए था, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड, सो आंसर इज 51 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक तो बता दो मुझे। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलूं अगले क्वेश्चन पर? नो। चलो फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, इसमें अभी फिर से गड़बड़ करोगे तुम।
वन अपॉन फाइव एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू वन अपॉन फिफ्टीन। अब ध्यान से करना, किसी ने गड़बड़ नहीं करनी। अब वन अपॉन फाइव एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू वन बाय फिफ्टीन। एट बी में आज दिक्कत चल रही है। चलिए शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। अगेन आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिसका भी आ जाएगा सिर्फ हैंड रेज करेगा। चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी से, ओनली रेज योर हैंड्स, डोंट स्पीक अप योर आंसर। अब मैंने देखना है कि एट ए से पहले हाथ खड़ा हो रहा है या सी से, बी वाले तो अभी डिस्कनेक्टेड ही है मेरे पास। Who is the first one to give me the answer? I want to see that. Any student from 8th A or from 8th C? लेकिन काम अपना अपना और जल्दी में गलती नहीं करनी है। ये नहीं जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दूं। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। एट सी में से दो हाथ खड़े हुए, तीन एट ए में से भी हो रहे हैं। गुड गुड गुड, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं लगा सकते एक क्वेश्चन के ऊपर। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इतनी देर लगाएंगे? तो एट ए में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इट, गुड। 30 सेकेंड्स मोर आई एम गिविंग, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम तो लग ही नहीं सकता क्वेश्चन में। 30 सेकेंड्स मोर। बस जी, टाइम टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर। एट ए एंड में से एक रेड कलर रेड टी शर्ट में गर्ल हु हैज रेज दी हैंड, आजा बेटा आगे आजा। कितना? 164 डिवाइड बाय 3। मैंने क्या कहा था? आंसर नहीं बोलना है, कहा था, पर आंसर गलत ही दिया। कोई बात नहीं, बोल लो, आ जा बेटा आ जा, फटाफट आ जा आगे। शाबाश, स्टेप बताओ मुझे, पहला स्टेप क्या करना है? कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लिया मैंने, ये प्लस का 11 दूसरी तरफ जाके माइनस का 11 बन गया। नीचे वन लिख दिया ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे चलिए। -165। यहां पर देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एलसीएम 15 और एक का 15 हो जाएगा, तो मैं यहां 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड कर रही हूं। जब आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 165 बनेगा। सो 1 -165 अपॉन 15। चलिए जी, x/5 इज इक्वल टू नेगेटिव वाला नंबर बड़ा, 165 माइनस 1 164 नेगेटिव नंबर बड़ा है, सो अपॉन 15। चलिए बैठिए जी। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये 5 और 15 कैंसिल कर दूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही काम करूं? क्या
हाउ मेनी ऑफ यू से दैट वी शुड गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रेज योर हैंड्स. जो जो कहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हाथ खड़ा कर दो. आवाज तो आई थी मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, अब हाथ कोई खड़ा करता नहीं है. अच्छा, सी सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अगर आप, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कर रहे हो 15x इज इक्वल टू -164 इंटू 5. आगे बताना फिर क्या करूं. सी में से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले हाथ खड़ा कर देते, फटाफट करना दोबारा हाथ खड़ा. 820, 920. अच्छा, इसको तुमने, अब पहले तुम देखो, तुम जरा थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचना, आप क्या कर रहे हो. आप पहले ये इतने बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, उसको 15 से डिवाइड करने जाओगे. करोगे कि नहीं, यही काम करोगे. यस तो मेरी बात ध्यान से समझो, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दिख रहा है इधर 15 पड़ा है, इधर 5, दोनों में कुछ कॉमन है, नजर आ रहा है ये बात. नहीं. तो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके अपना काम बढ़ाने का शौक क्यों है आप लोगों को? क्या मैं इसके ये 15 को इधर नीचे ले आऊं, 15 से दोनों तरफ डिवाइड, और ये इसको इससे कैंसिल कर दूं? कितना आसान हो गया मेरा काम. आप उल्टे काम करते हो. पहले आपने ये को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उतने बड़े नंबर को 15 से डिवाइड करने जाओगे. क्या अकलमंदी है मुझे बताओ उसमें? क्यों करोगे तुम इतना काम? जब मुझे सामने से दिख रहा है यहां पर 5 और यहां पर 15, ये आपस में कैंसल आउट होंगे, मुझे कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कहीं डिवाइड नहीं करना पड़ा. डू यू गेट वॉट आई वॉन्ट टू से? Yes. एक बात. दूसरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब आप इक्वल टू के दो अलग अलग तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर के टर्म्स न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के टर्म्स डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाती हैं, तो यहां मैं सीधा 5 को 3 से कैंसल करती, एक ही स्टेप में आंसर. मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. और क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो कभी करना ही नहीं है, भूल ही जाओ उस बात. ये बात समझ में आई है मेरी? चलिए फिर क्वेश्चन लिखो अगला. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स माइनस 2x प्लस 8 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 6. इसमें तुम फिर से गलतियां करोगे, मैं पहले ही बोल रही हूं, जरा ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. इसको बना दो 2x, लो मेक इट 2x. एक्स माइनस 2x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 माइनस एक्स बाय 6. सबसे पहले 1 1 डाल लो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि दोनों तरफ एलसीएम लेकर के काम करने की जरूरत है.
और एक बात और ध्यान रखना, यहां अब इन दो के बीच में नेगेटिव साइन है, यहां पर गलती करोगे, जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज कर देना। जी आया किसी का आंसर? जिसका आ गया हैंड रेस कर दो, एक दूसरे को मत देखते रहा करो, आ गया है तो हैंड रेस करो। 8C में पीछे वाले बच्चे जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, अच्छी बात है, चलिए गुड। 8A एनीवन? 8A से भी हाथ खड़ा, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं भी, किसी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, भाई आ गया तो हाथ खड़ा कर दो। दो बार देख रही हूँ ऐसे ऐसे, फिर नीचे हो जाता है, क्या बात, कंफ्यूजन है कि सही है कि नहीं? एट ए सेकेंड रो कॉर्नर गर्ल, दो बार हाथ ऊपर फिर दो बार नीचे, क्यों? आधा सॉल्व हुआ आधा नहीं हुआ, रेड टी शर्ट। हाँ जी, 8C से पीछे एक हाथ खड़ा है बेटा, आंसर बोलो क्या आ रहा है? 8C सेकेंड लास्ट बेंच, हु हैज रेज द हैंड, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। वहीं से बता दो, वहां से बता दो, आगे वाला बच्चा बता देगा मुझे। बोलो जी, जो माइक के पास बैठा क्या कह रही है, वो आंसर क्या आ रहा है? 3/4। 3/4। अच्छा, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है 3/4 में, तो बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, इन दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, तो मैंने कहा था जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म दिखे उसको ब्रैकेट में डाल दो, नहीं तो नेगेटिव साइन का गड़बड़ होगा ही होगा। दूसरी बात हमने क्या कही कि डिनोमिनेटर्स को जहां पर नहीं है वन लिख के फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आओ। अब यहां पर 3 और 1, एलसीएम बना 3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये बना 3x-2x-8/3। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम 6, एक पड़ा है 6 बनाने के लिए, 6 से मल्टीप्लाई, तो मतलब कि ये बन गया मेरे पास 12x। ये आया 6-2-x/6, 12x। ये माइनस पड़ा है इसलिए ये माइनस का 2, ये प्लस का x, और दोनों के बीच में है इक्वल। पहले यहां तक देखो जरा, इज इट ओके? और अपने स्टेप्स भी देखते जाना, कहां कहां क्या क्या गलतियां करते हो। अब इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3x-2x(x-8/3) इज इक्वल टू 12x+x, दैट इज 13x-2/6। अब ये 3 और 6 क्या कैंसिल कर दो? लो जी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और 1 इधर आकर के मल्टीप्लाई। ब्रैकेट खोल देते हैं,
2x minus 16 is equal to 13x minus 2. अब 13x को इधर शिफ्ट कर दिया और माइनस 16 को दूसरी तरफ. 13x जब इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस 16 जब उधर गया तो प्लस का 16 हो गया. 2x माइनस 13x इज माइनस 11x, 16 माइनस 2 इज 14, तो x की वैल्यू माइनस 14 अपॉन 11. आया था किसी का आंसर माइनस 14 बाय 11? नो. कहां कहां गलतियां हुई हैं वो देखी हैं. एक तो जो सबसे मेजर गलती हुई होगी वो जो नेगेटिव साइंस वाली थी, वहीं पे गलती करी है और भी कहीं गलती करी है? बच्चों इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके बाद फिर गलतियां कैसे होती हैं? ध्यान कहां होता है काम करते हुए? चलो एक आसान सा क्वेश्चन दे रही हूं, देखें जरा क्या करके बताते हैं. फटाफट करना जरा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं, गलती नहीं होनी चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए. a माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू a माइनस 3 बाय 2. अब गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है मैंने. पहला स्टेप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी, फटाफट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ब्रैकेट्स को ओपन करो, वेरिएबल्स एक तरफ रखो, कॉन्स्टेंट एक तरफ रखो और आंसर बताओ. किस चीज का आंसर आया माइनस 7? रेज योर हैंड्स. अभी तो दो चार बच्चों का ही आया लग रहा है, बाकियों ने हाथ तो खड़े करे नहीं है अभी तक. मैम वीडियो लिया. माइनस 7 इज करेक्ट आंसर. जल्दी जल्दी बताओ किस इसका आ गया माइनस 7. जिस इसका माइनस 7 आता जरा हाथ खड़ा करते जाओ. एट बी में आ गया. एट बी का वीडियो ही नहीं आ रहा ना मेरे पास, मुझे दिख ही नहीं रहा. चलो कोई बात नहीं, आ गया ना आंसर. दैट इज मोर देन एनफ. एट सी में से भी आंसर आ रहे हैं, एट ए में से. ये एट ए वाले आगे वाले बच्चे ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं क्वेश्चन को लेकर के, सॉल्व नहीं करते उसको. इधर उधर इसकी कॉपी में टांका झांकी, उसकी में टांका झांकी, थोड़ी ना बात बनेगी. हाथ नीचे कर लो सारे. हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए माइनस 3. 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 3a माइनस 9. 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 16 माइनस 9. माइनस a इज इक्वल टू 7, सो a की वैल्यू माइनस 7. लो जी जल्दी जल्दी करना जरा सॉल्व, गलतियां मत करना. 3x अपॉन 4 माइनस x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 बाय 3. सबसे पहला काम इसके साथ ब्रैकेट डालने का करो. जब भी इन बिटवीन नेगेटिव साइन आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट डाल दो. अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, सेम करने हैं करो,
सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या बनाओगे। जल्दी जल्दी, बातों में ध्यान नहीं, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से, क्विकली। मैम आंसर आ गया, किस किस का आ गया, हैंड रेज करो। क्या क्या आंसर निकाला है? x x इज इक्वल टू 14। अगर निकाला है तो सही निकाला है। x इज इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर। देखो जी, सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम लिया, कितना बनाया? 4। दो है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर 4, 3x -2 टाइम्स x-1 इज इक्वल टू x-2/3। ब्रैकेट खोलते हैं, -2x -2 डिवाइड बाय 4 x-2/3। 3x-2x इज x, +2/4 इज इक्वल टू x-2/3। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स x+2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x-2। ब्रैकेट खोल देते हैं, 3x+6 इज इक्वल टू 4x-8। 3x-4x इज इक्वल टू -8 -6। -4x इज इक्वल टू -14, सॉरी -x, सॉरी 3x-4x इज -x इज इक्वल टू -14। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 14। बच्चों कुछ समझ में आया है? पेपर में अब गलतियां करके आओगे कि नहीं? क्या गलतियां करके आओगे कि समझ में आ गया है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर में ध्यान से देख के सोच के क्वेश्चंस को करना ताकि गलती नहीं आए। 2-3 बातों का ध्यान रखना, जहां पर रैशनल एक्सप्रेशंस मिल रहे हो नीचे 1 कर लेना ताकि पता चले डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। नेगेटिव साइन के बाद 1 से ज्यादा टर्म्स हो तो ब्रैकेट में डाल देना ताकि आप साइन चेंज करते हुए गड़बड़ नहीं करें। चलिए ठीक है बच्चों, ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो।